लेकिन करते उन्होंने पानी चाहता क्या? ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे नहीं नहीं यहाँ नहीं आओ, तू आगे आ जाता है, आ जाओ आप, ले आ जा नमस्कार। सिटी तहलका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। आपको बता दें कि इस वक्त हम पानीपत के वार्ड 6 के काबुल बाग कॉलोनी में मौजूद है, जहां पर अभी कुछ देर पहले ही इन लोगों का फ़ोन हमारे पास आता है और बताया जाता है कि पिछले लंबे समय से पीने के पानी की जो समस्या है वो इनके सामने बनी हुई है। तमाम जो कॉलोनी के लोग हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं, महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और कब से इन्हें पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो महिलाएँ हैं वो इस तेज़ धूप में सामने आई हैं और पीने के पानी की पिछले लंबे समय से बताया जा रहा है कि इन्हें समस्या है और तमाम नेताओं से मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला इनकी नहीं। आपको बता दें कि नेता हैं, बड़े बड़े दावे तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो दावे धरातल पर कितने सार्थक हैं वो इन लोगों से जानेंगे, क्योंकि नेताओं द्वारा इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको जल्द ही पीने का पानी मिलेगा, लेकिन आप इन तस्वीरें देख सकते हैं कि आज तमाम जो कॉलोनी के लोग हैं वो एकजुट हुए हैं और लगातार इनके फ़ोन हमारे पास आ रहे थे। इन्हीं से जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। जी, क्या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? यह पानी की परेशानी है सर, यहाँ 2.5 साल हो गए मैं ट्यूब लगा खड़ा है, पानी मिल रहा है, बताओ बाल्टियाँ ठट्ठा कर, कहीं जाऊँ पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आवा, जिसके घर जाऊँ वो कह पानी नहीं मारा, बिजली फूका है। और ये सरकार ट्यूब लगा, इन्होंने कहा जे साहब ने अभी कहा, बोले हमने उसका जुम्मा लगा दिया है, राजेश है कोई प्लम्बर, वो उसके जुम्मे चाबी है, बोले हमने उसको कह दिया, बोल दिया इसको चालू कर दो, वो चालू नहीं कर रहा, बोला पता क्या उन्होंने क्या कहा, मेरे को जवाब दिया कल, बोला मलिक साहब ने आपने सारी कॉलोनी में नंबर बैठ दिए, मगर भाई मैं मीडिया वाले को तेरा नंबर दूंगा, तो मेरा कर लियो, क्या करोगे हैं? पानी मिल नहीं रहा, मतलब मैं गांव से, मेरे को फोन आओ, मैं गाँव से आऊँ। जी, क्या नाम आपका? सजीला है। क्या परेशानी है? पानी की परेशानी। अशोक बिहार लो पानी, हम क्यों कर ढोंगा भाई इतनी दूर तक, जी यहाँ हमारी जड़ में है और हम अशोक बिहार लो, जहाँ पानी लेने को तरीका है यो सारा कुछ यहाँ तैयार हो रहा, सारा कुछ तैयार हो रहा है, शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या पता, हम तो जाते जाते भी थक लिए, मार तो गोड्डे लग गए दुखन जाते जाते भाई, कभी किसी ने बता दे वो जाएगा वो आवेगा वो पावेगा, सो हुनर बना रहे तो न बता। यहाँ तो 1 किलोमीटर है अशोक बिहार, इंगा अली कॉलोनी, मनतम बाल्टी ठट्टा 1-2 किलो पानी लिया हुआ, नहान जा हम लोगों का कोई तरीका है यो, इस तो बड़ी परेशानी का हम लोगों का, नहान जा कपड़े धोवे हम लोगों का, जा कोई तरीका है यो। तो नेताओं से मिलते, नेता क्या? नेताओं तो मिले, कोई नहीं सुनता, हम नेताओं के दौरे जा लिया 50 बार, बनू कह देख हाँ बस 15 दिन की मोहलियत दे दो, 10 दिन की मोहलियत दे दो, अरे कदने मोहलियत आवेगी, साल भर हो गए मोहलियत मांगते। कब से परेशानी है पानी की? तो हमें 1 साल थे तो इतनी तकड़ी है, बस हमारे जी का हमें पता, जी रहे अन्य पानी में ना सारी दुनिया ने पता, कोई नहीं जीतता। नेता ये कहते हैं विकास हुआ है, पीने का पानी स्वच्छ आपको दिया जा रहा है, कहा दे रहा, कहा दे रहा? हम तो भाई अशोक बिहार तक लिया और हली कॉलोनी तक लिया पानी, तड़के हम अपने जागतों के हाथों में पकड़ा हुआ बाल्टी ठटक, चलो भाई लिया पानी, कोई तरीका है यो, तरीका होना चाहिए, इंसान पब्लिक पानी तो जीव है, हर जीव, हमने पानी नहीं मिलने का हम जीवेंगे क्यों कर? देखिए, पीने के पानी की परेशानी है और नेताओं पर गुस्सा है, गुस्सा भी जायज है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप में यदि आपको पीने का पानी न मिले तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी कितनी बढ़ सकती है। कुछ और लोग उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, कब से परेशानी है, क्या परेशानी? को तो 3 साल हो गए जी, और 3 साल से बहुत दिक्कत है, और पानी के लिए डब्बे उठा कर वो अपना पानी बंद कर देते हैं, फिर वहाँ से खाली लेकर आते हैं बार बार। ये जिसके पास जाता है ये हो जा 8 दिन में, आज 15 दिन में चालू हो जा, ये कब तक होगा? गरीब आदमी को परेशानी के सिवा और क्या झेलना पड़ा? नाले यहाँ नहीं, खड़ौंजे यहाँ नहीं, पानी की समस्या है, सबसे बड़ी पानी की समस्या है। ये बताया जा रहा है जो सीनियर डिप्टी मेयर है वो आपके वार्ड से हैं। तो हमारे वार्ड से तो है, वो काम तो नहीं कर रहा हमारा। क्यों नहीं कर रहे? वो कहते काम किए जा रहे हैं आपके। क्या काम हो रहा है बताओ? क्या काम हो रहा है? एक आपके सामने मौजूद है, क्या काम हो रहा है? पानी नहीं है, खड़ौंजे है, नालियाँ नहीं है, क्या काम है? अब तक पाइप नहीं दबे, काम कहाँ हो रहा है? अरे विकास की बात, विकास तो पैदा नहीं है, नाम किस कार का विकास? विकास होगा तो सब लोग जानेंगे। विकास है ही नहीं तो क्या करें। तो अभी कहाँ से पानी आप लेकर आते हैं, क्योंकि जिसका चल गया समरसेबल सारे वहीं भागते हैं, इतने में वो बंद कर देता है, फिर थोड़ी देर में पता लगा वहाँ कुछ काम पे जाते हैं बच्चे, फिर डब्बे लेके और जाते हैं, क्या मिला दो डब्बे पानी मिला जाए, उसमें क्या नहाएंगे क्या खाएंगे, ये प्रॉब्लम है। दो डब्बे पानी कितने देर तक चला पाते हो, क्योंकि इतनी तेज धूप है और धूप में पानी की कितनी देर चलेगा, कितनी देर चलेगा इधर उधर से पानी। जी जी क्या कह रहे हो, समरसेबल जो है जिन जिनके घर पे उन सब मोल को पानी ले, मैं मोल लेते हो, मोल ले मैं पानी 3 साल हो गए मोल लेते हो पानी, 500 रुपए महीना ले मैं मोल, और गरीब है बच्चों को खुआवे खुआवे, और वोट लेने में हाल है सबसे पहले सबसे आगे। जब पिछला लॉकडाउन पड़ा राशन सबको राशन मिलेगा, जब से परेशानी है यहाँ से पानी की, जब से बहुत ज्यादा है। तो ये कह रहे हैं स्वच्छ पानी दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा, गंदा भी पानी नहीं दिया जा रहा, स्वच्छ तो जब देंगे। 20 रुपए की बोतल में अपने जाते तो पानी पिया ले आकर। तो आप लोग नेताओं से मिले हो? नेताओं से कहते हैं वार्ड नंबर 6 में जाओ, वार्ड नंबर 7 में जाओ, नू पता नहीं सबके 12 का धक्का खाकर आ लिया, सब जंग से नू आ जाओ वापस आ जा, पर अंदर लोग कभी नहीं बढ़न देते। 50-50 देखिए गुस्सा जरूर है इन लोगों में। जी जी अंदर लोग ये ना फरवरी में इसके हमने पूछा था इसके बारे में, सुरेंद्र गोयल जी पत्रकार हैं, उन्होंने पूछा डिप्टी ये जो मेयर है उससे, कहना जी 10 दिन में कर देगा, हाँ जी फाइल जमा होगी ये होगी, कहता जी हाँ होगी, उन्होंने 20-22 दिन में ये मीटर लगा, देखो अब कह रहे जी पानी दे रहा है, कितनी रीडिंग निकली है इसमें से, आप देखिए ना इसमें से कितनी, जब गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया लगा भी। ये बताया जा रहा है कि जो ये समरसेबल आप नया लगाए, हाँ जी ये 3 साल से है, ये 3 साल से है, अब गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया लगा दिया है, अब पब्लिक को कह रही है पानी दे रहे हैं, क्यों नहीं किया जा रहा है। हाँ ये शुरू उनसे पूछो ना आप क्यों नहीं किया जा रहा है, ये गरीब आदमी पता है सुबह शाम देखोगे ना आप कैसे कैसे पानी ले जाते हैं, प्लास्टिक के डब्बे में, कोई चूरा है कोई कर, वो नहाएंगे या बर्तन धोएंगे पानी पिएंगे, या कोई मेहमान आ जाए क्या करेंगे काम करेंगे बताओ। अब जो गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए लगाए उसको जहर ना करो ना भाई, इनको पानी चालू करो, उनसे बिल लेने वाले बनो, इनसे बिल लेने वाले बनो ना। अब पब्लिक परेशान है, कह रहे जी पानी दे रहे हैं, अब जी 1 हफ्ते में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। तो आप नेताओं से मिलते क्यों नहीं, क्योंकि देखो जी नेताओं से तो तब मिले ना, एप्लीकेशन भी दी हुई है, डॉक्टर रियाजुद्दीन है, सब डांडा से मिल लिए, वो कमिश्नर से भी मिले आए हम, कटारिया से भी मिले आए, और जी रविंदर है जो हमारा मेयर है, जो डिप्टी मेयर है उससे भी हम मिले आए। सबसे ये उम्मीद है कि भाई 15 दिन में चालू हो जाएगा, 20 दिन का एक पाइप जुड़ना है छोटू राम चौक पे, वो पाइप जुड़ जाएगा तो तुम्हारा पानी चालू कर देंगे। 1.5 साल हो गया हमें ये सुनते सुनते, और जो 1.5 साल से इसमें सारा काम हो चुका है, इसमें जो है ना मीटर भी लग चुका है, खम्भे भी लगवा दिए, सारा काम हो चुका है, लेकिन पानी नहीं चालू। कमी कहाँ है पानी, कमी यह है कि पानी चालू करने की बात, पाइप बिछाना हो ना छोटू राम चौक, शुरू करेगा कोई नेता आएगा, कोई ऑपरेटर आएगा, कौन करेगा शुरू, कोई उद्घाटन होना है का इसका? नहीं उद्घाटन कुछ नहीं होना इसका, उद्घाटन तो हो लिया इसका जो होना था पानी पुनी, लेकिन बस ये है कि कहते हैं नुको एक पाइप जोड़ना है छोटू राम चौक पे, नुको वो पाइप जोड़ के हम जो है ना पानी चालू कर देंगे। अगर हम ऐसे पानी चालू करेंगे तो पाइप फट जाएगा, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ, जो कौन जोड़ेगा, आप लोग जोड़ोगे, कोई नेता जोड़ेगा, कोई प्रशासन अधिकारी कोई आएगा, क्योंकि इतनी गर्मी है। आप लोग निगम वाले जोड़ेंगे, निगम वाले जोड़ेंगे। निगम वालों से क्यों नहीं मिलते आप? हम निगम वालों से भी मिल जाए कई बार, तो वो कह रहे हैं तुम्हें 1 महीने के बाद चलेगा तुम्हारा पानी, जो तुम्हें करना है कर लो। हर महीने यही बात कहते हैं हम। और जो हमारे से बाद में लगे हुए हैं समरसेबल, जो बोरिंग हुए हैं वे चालू हो चुके हैं, भारत नगर में है वो चालू हो गया, जो बिट्टू के वहाँ पे जो डांडा के पास ही रहता है हर टाइम उनका चालू हो गया, और भी कई सारे लगे, लेकिन ये सबसे पहले हमारा लगा था, ये अब तक चालू नहीं हुआ। देखिए नेताओं से मिल चुके हैं, अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन समस्या जो की तो है, और पिछले लंबे समय से पीने का पानी इन लोगों को मिल नहीं पा रहा। बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं स्वच्छ पानी आप लोगों को दिया जाएगा, नेता लगातार मीडिया के सामने बयान देते हैं कि पीने के पानी की किसी को समस्या नहीं होने दी जाएगी, लेकिन इन लोगों की आप सुन सकते हैं पिछले लंबे समय से समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आस पड़ोस से पानी लेकर आते हैं तब ये लोग पीने का पानी मिल पाता है। कुछ और महिलाएं हैं, देखिए उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि पिछले काफ़ी समय से। जी क्या कुछ परेशानी है, कब से पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है? 3 साल हो गए जी, पानी नहीं मिल पा रहा, बहुत परेशान है। मोल पानी पैसे देते जब पानी मिलता है। देखिए इन सुविधाओं का कोई आधार नहीं, क्योंकि मोल पानी लेकर के इन लोगों को पीना पड़ रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। एक और जहाँ तरह तरह की जो योजनाएं चला रही हैं कि पीने का पानी जो है स्वच्छ पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा, लेकिन इन लोगों की आप सुन सकते हैं पानीपत के वार्ड 6 काबुल बाग कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चों के साथ ये महिलाएं आज जो है इनका रोष है। आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि आस पड़ोस के लोगों के घरों से इन लोगों को पानी जो का लेकर के आना पड़ता है, लेकिन तमाम नेताओं से मिल चुके हैं, अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। नेताएं हैं वो अधिकारियों के पास भेज देते हैं और अधिकारी हैं वो कहते हैं कि जिससे मिलना है मिल लो, लेकिन काम अपने हिसाब से होगा। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी जी क्या कुछ बताना चाहिए, कहाँ से पानी लेके आते हो? भाई हम तो बहुत बहुत दूर से लाने, वाटर जग भर के लाएंगे, कई बाल्टी लाएंगे, अब बता क्या करा। जब जिस नेता पे भी जाना है वही मना कर दे, कह दे अभी वहाँ जाओ, नगर निगम में कोई नु कह दे वहाँ जाओ, ढंडा पे कोई कह दे कहीं, कोई कह दे कहीं, अब क्या करा बताओ। जब पानी वो देते ही नहीं तो क्या करा, अब ये बताओ। बाल्टियाँ लियो फिरते रहे बच्चे, अब भर भर के लाने, जब जाकर अपना नहावे धोवे, जा कपड़े लत्ते धोना, बताओ इस गर्मी में क्या होगा। अब ये कह रहे थे कि नेता मिलते नहीं आप लोगों से? मिलते हैं जी, मना कर देते हैं वे तो। पाँच लड़कियां हैं, मैं कहाँ जाऊँ, बाल्टी ठा ठा कहाँ जाऊँ, लड़की भी मेरे तो कोई है नहीं पानी लाने वाला। 1000 रुपए भी पानी के पैसे दे रहे, जब भी पानी नहीं आ रहा है। पानी किसको देते हो, पैसे किसको देते हो? पड़ोस में से ले रहे, वो भी पानी देने को मना करते हैं, वो भी मना करते हैं, लेने के बाद भी मना करते हैं, हम देते नहीं पानी। 1000 रुपए भी लेने को तैयार हो रहे हैं, पानी को मना क्यों करते हैं? वो पैसे लेने के बाद पानी बिल की वजह से मना करें कि बिल ज्यादा है, बिल भरा गया इंसान क्या करेगा, क्या वो करेगा, क्या हमारे घर से ले और जगह से ले लो, जहाँ से तुम्हारी मर्जी आवे। चुनाव के समय नेता लोग आए थे आप लोगों से मिलने? हाँ आए थे, हाथ जोड़ा, क्या थे सब प्रकार की सुविधा होगी, कुछ भी सुविधा। कितनी मिली आपको? कुछ भी नहीं मिली। अब उन नेताओं से क्यों नहीं मिलते आप? नेताओं से बताया तो क्या था कि वहाँ पे जाओ, उसमें है, उसमें सुनाई नहीं करते, वो कह दें बोला हमें क्या करे, आपको पानी जाओ दिन में चल जाएगा, 4 दिन में चल जाएगा, 5 दिन में चलेगा, ये सोई सब आज को करके दे दे। देखिए सामने दिखाना चाहूँगा कि एक समरसिबल है जो अभी बताया जा रहा कि 2-3 साल पहले ये बनाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये शुरू नहीं हो पाया है। बनकर के पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन शायद नेताओं द्वारा इसका उद्घाटन अभी किया जाना बाकी रह गया है, क्योंकि अभी इसको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। यदि ये समरसिबल चल पाता है तो इन लोगों को जो है पीने का पानी मिल जाएगा। यदि ये समरसिबल चल जाता है तो पीने का पानी, हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर ये चलाते नहीं ना, अगर हमें ना सिर्फ 1-1 घंटा सवेरे शाम चला दें, 1-1 घंटा सवेरे शाम चला दें, गरीबों की पूर्ति हो जाएगी। रही ज्वाइंट की बात, वो ज्वाइंट चलो उधर कहते हैं जी रोड पे काम चल रहा है, सिविल लाइन दब रहा है, जब तक अगर वो 6 महीने नहीं उन्होंने काम किया तो 6 महीने नहीं जुड़ेगा। कम से कम इस कॉलोनी का तो चलाओ। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहसिन खान। देखिए वार्ड 6 के काबुल बाग कॉलोनी से तस्वीरें हमने दिखाई, जहां पीने के पानी की लोगों के सामने समस्या बनी हुई है और नेता लगातार दावे कर रहे हैं कि उन्हें तमाम सुविधाएं वो शहरवासियों को देंगे। अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें, ताकि तमाम नेताओं तक और अधिकारियों तक ये खबर पहुँच सके। तब तक के लिए इस खबर को शेयर जरूर करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।